ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बेटा चैप्टर अपना चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके अंदर पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बेटा कंप्लीट हो चुका था, इसके अंदर केवल ग्लैंड में मेमरी ग्लैंड रह गया था, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम, क्योंकि कल जो है ह्यूमन प्रोडक्शन के अंदर बेटा मेल प्रोडक्टिव सिस्टम एक बार है ना पढ़ के रिवाइज भी कर चुके हैं, तो आज कम से कम फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, चलो चार हेडिंग्स जल्दी से दिमाग में आ जानी चाहिए बेटा, प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये बताओ बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या हो रहा होगा? ओजेनेसिस। ओजेनेसिस के द्वारा क्या बन रहा होगा? ओवा। सही बात है, अरे बोलो। ठीक है, एसेसरी डक्ट का अगर मैं बात करूं बेटा, एसेसरी डक्ट के अंदर, अच्छा ओवरी के बारे में बहुत सारी चीजें तो बताई थी, याद है क्या? ओवरी का साइज 2 से 4 सेंटीमीटर, बोलो। इसके अंदर जो स्टोमा वाला पार्ट था बेटा, उसको दो में कन्वर्ट कर रहे थे, एक को मेडुला, दूसरे को कॉर्टेक्स। मेडुला अंदर वाला, कॉर्टेक्स बाहर वाला, कॉर्टेक्स वाले रीजन में बेटा फॉलिकल्स मिल रहे थे, बोलो, है ना? ठीक है, याद है। ये बताओ कहां पे सिचुएट कर रहा था बेटा? एब्डोमिनल रीजन में या पेल्विक रीजन में? लोअर एब्डोमिनल रीजन में सिचुएट कर रहा था, बोलो कहां पे? यूट्रस के पास में, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के बीच में था क्या, बोलो, है ना? ये बताओ, ये बताओ, अगर मैं तुमसे एसेसरी डक्ट की बात करूं बेटा, कहां से स्टार्ट करोगे? इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्टोमास, इसके बाद में यूट्राइन कैनाल, और इसके बाद में सर्वाइकल कैनाल, फिर वेजाइनल कैनाल, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना, बाहर। ठीक है, इसके बाद में हम एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करना शुरू किए थे। एसेसरी ग्लैंड के अंदर हमने कहा था बेटा वेस्टिबुलर ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड, दो तरह की ग्लैंड होती है। वेस्टिबुलर ग्लैंड की जो लोकेशन होती है बेटा पेल्विक रीजन में होती है, एक पाई जाती है वेजाइनल ऑरिफिस के पास में, एक पाई जाती है यूरेथ्रल ऑरिफिस के पास में, है ना? जो वेजाइनल ऑरिफिस के पास में थी उसको क्या बोल रहे थे? मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, अरे बोलो। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में थी, माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोल रहे थे क्या? माइनर वाले का नाम क्या था? ग्लैंड ऑफ स्किनी था क्या, बोलो, है ना? और मेजर वाले का नाम क्या था? बार्थोलिन ग्लैंड था क्या, है ना? ठीक है, ये बताओ बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या बोल रहे थे? वल्वा बोल रहे थे क्या? कितने पार्ट थे इसके? मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन, इतने पार्ट थे, बोलो। क्या हाइमेन का प्रेजेंट या एब्सेंट होना वर्जिनिटी का सिंबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना? ये अलग अलग तरीके से बेटा रैप्चर हो सकता है, बोलो, सही बात है। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, कौन सा टॉपिक है? मेमोरी ग्लैंड। चलो मेमोरी ग्लैंड ध्यान से सुनिए बेटा, बस सुनो ध्यान से। सबसे पहले बेटा लोकेट कहां पे करता है मेमोरी ग्लैंड? तो हमारे चेस्ट रीजन पे है। कहां पे है बेटा? थोरेसिक कैविटी में, है ना? थोरेसिक कैविटी के पास, चेस्ट रीजन में सिचुएट होता है ये, है ना? ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी थोड़ा सा मतलब है ना इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं, कहां से कैसे इसके अंदर मसल्स आती होंगी, कैसे इसका फॉर्मेशन होता होगा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना? ये हमारा थोरेसिक रीजन है, चेस्ट वाला रीजन है। इस चेस्ट वाले रीजन पे हम ये कह रहे हैं बेटा रिब्स पाई जा रही हैं, रिब्स पाई जा रही हैं। रिब्स के ऊपर ही तो लोकेट कर रहा है ये, रिब्स के ऊपर ही तो लोकेट कर रहा है मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करने के लिए बेटा दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यूज, बोलो। मेमोरी ग्लैंड के अंदर दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यूज। लेकिन इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बातें और कर लें। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं बेटा, जैसे हमने आपको जब गर्डल्स पढ़ाए थे, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में बात करी थी, हमने पेक्टोरल गर्डल की बात करी थी बेटा, तो यहां से कुछ जो मसल्स आती है ना पेक्टोरल गर्डल से नीचे के साइड में, यहां से होते हुए नीचे के साइड में जो मसल्स आती है बेटा, यही हमारे चेस्ट का फॉर्मेशन करती है, बोलो, यही हमारे चेस्ट का फॉर्मेशन करती है। पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, याद आता है कुछ? अरे बोलो, नहीं पता? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर का नाम सुने हो? हाँ, एनसीईआरटी में भी आपके शायद मेंशन है क्या? है, है ना? ठीक है, देखो देखो देखो, ध्यान सुनो ध्यान सुनो। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, ऐसा करो कि ये हमारा पेक्टोरल गर्डल है, इधर से जो आने वाली मसल्स है बेटा, इनको पेक्टोरिस मेजर और पेक्टोरिस माइनर कह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं ना, ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे सीधा सीधा अगर हम कट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ चले, अंदर से बाहर की तरफ चले तो हमें बेटा किन तरीके से डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा, किस तरीके से मसल्स की लेयर हमें दिखाई पड़ना शुरू करेंगी। अगर बेटा हम यहां से क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं बेटा, तो क्रॉस सेक्शन लेने के बाद में सबसे अंदर के साइड में जो आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम चेस्ट रीजन पे कट कर रहे हैं, हमें रिब्स के छल्ले दिखाई पड़ेंगे। अरे बोलो, क्योंकि हम कट कर रहे हैं ना, तो छल्ले ही तो दिखाई पड़ेंगे केवल, बोलो। यहां पर जरा बनाना शुरू करते हैं, देखना जरा, हम पूरा नहीं बना रहे बेटा, है ना? जितने में अपना काम चल जाए उतना बना रहे हैं। ठीक है, देखो ये बताओ,
हमने कट किया, कट करने के बाद में हमें रिब्स दिखाई पड़ी, रिब्स के छल्ले दिखाई पड़े। अब रिब्स के बीच में भी तो मसल्स होंगी, क्या नाम होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स। अरे बोलो, इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगी यहां पे, यहां यहां पे बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी। देखो ये रिब्स हो गए, ये हो गया आपका इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स। अब रिब्स के जस्ट बाद में, क्योंकि हम अंदर के साइड से चल रहे हैं ना, अंदर के साइड से चल रहे हैं, तो रिब्स के जस्ट आफ्टर बेटा आपको जो मसल की लेयर दिखाई पड़ेगी कौन सी होगी, पेक्टोरलिस मेजर या माइनर? माइनर, पेक्टोरलिस माइनर। जरा सुनिए ध्यान से, यहां बेटा जो होगी पेक्टोरलिस माइनर, ये कौन सी हो जाएगी बेटा, पेक्टोरलिस माइनर। ठीक, पेक्टोरलिस माइनर। इस पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर, इसके जस्ट ऊपर बेटा एक अनदर मसल की लेयर होगी जो कि पेक्टोरल गर्डल से ही ऑरिजिनेट होके नीचे की तरफ आ रही होगी बेटा, इसको पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर मेमोरी ग्लैंड सिचुएट करता है, इस पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर मेमोरी ग्लैंड सिचुएट करता है। और मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए हमने कहा बेटा कितने तरीके के टिश्यूज है, दो तरीके, कौन कौन से, ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यूज, ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैटी टिश्यूज, दोनों तरीके के टिश्यूज होते हैं। फैटी टिश्यूज क्या करता है बेटा, फैट डिपॉजिट करता है और मेमोरी ग्लैंड के साइज को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, फैट का डिपोजिशन अलग अलग फीमेल्स की बॉडी में बेटा अलग अलग तरीके से हो सकता है, है ना। फैट का डिपोजिशन अलग अलग फीमेल्स के अंदर अलग अलग तरीके का फैट डिपोजिशन अलग अलग अमाउंट में हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। ध्यान दीजिएगा बेटा जरा, ध्यान है ना, देखते रहो। ध्यान दो। अब अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें बेटा, तो इसके अंदर मेमोरी लोब पाए जाते हैं। अगर हम इसके अंदर सबसे बड़े यूनिट की बात करें तो उसको मेमोरी लोब के नाम से जानते हैं। हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर कितने मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। बोलो कितने मेमोरी लोब बेटा? 15 से 20 मेमोरी लोब। जरा ध्यान दो, मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेमोरी लोब, और इनका नंबर बेटा कितना होता है? 15 से 20। कितना होता है? 15 से 20। इस मेमोरी लोब को जरा हम यहां दिखाते हैं बेटा। पंद्रह से बीस मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। हर एक मेमोरी ग्लैंड में कितने लोब प्रेजेंट होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब। इन मेमोरी लोब के अंदर जो सेल्स पाई जाती है बेटा, ये एल्वेलाई का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करती है? एल्वेलाई का। ये जो मेमोरी लोब्स की सेल्स हैं, इनके अंदर पाई जाने वाली सेल्स किसका फॉर्मेशन कर रही है बेटा? एल्वेलाई, एल्वेलाई का, है ना। तो मतलब मैं यहां पे बेटा छोटी छोटी थैलियां दिखा देता हूं जिनके अंदर एक्चुअली में मिल्क का सेक्रेशन हो रहा है, है ना। तो मैं इनको क्या कह रहा हूं? एल्वेलाई। क्या कह रहा हूं? एल्वेलाई। कहां पे पाई जा रही? मेमोरी लोब के अंदर, है ना। मैं इनको जो छोटी छोटी थैलियां बेटा इनके अंदर जो पाई जा रही हैं, इनको मैं क्या कह जा रहा हूं?
छोटी छोटी जो थैलियां पाई जा रही हैं इनके अंदर, मैं इनको क्या कह दे रहा हूँ, एल्वेलाई। क्या कह दे रहा हूँ? एल्वेलाई। एल्वेलाई से बेटा मेमोरी लोब के अंदर जो एल्वेलाई पाए जा रहे थे, इन एल्वेलाई से जो डक्ट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी टिब्यूल। जो एकदम फाइन टाइप की बेटा यहां से डक्ट निकलती है, देखना जरा ये जो पार्ट है, यहां से फाइन फाइन जो है ना डक्ट्स निकल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी टिब्यूल। क्या बोलते हैं बबुआ इनको? हम बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल। क्या बोलते हैं? मेमोरी। मतलब ये वाला जो पोर्शन हमने डक्ट नुमा दिखाया बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेमोरी टिब्यूल। इसको हम क्या कह रहे हैं, मेमोरी टिब्यूल, है ना। ये जो सबसे ऊपर की तरफ दिख रहा है बेटा, ये क्या है, मेमोरी लोब। क्या है? मेमोरी लोब। ये जो है ना ब्लैक कलर का दिख रहा है यहां पे बेटा, ये क्या है, मेमोरी लोब। ये क्या है बेटा? अरे बोलो, एल्वेलाई। क्या है? एल्वेलाई। ये वाला पार्ट क्या है? एल्वेलाई। ठीक है, अब जरा इसके भी आगे चलते हैं। मेमोरी टिब्यूल के आगे आप देखोगे ध्यान से बेटा, तो आपको एक अनदर डक्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। अनदर डक्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है, किससे, टिब्यूल से। अनदर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जो कि बेटा बड़ा होता है, किससे, टिब्यूल से। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। तो टिब्यूल से क्या बना, क्या बना, मेमोरी डक्ट। बोलो, मेमोरी डक्ट जिस वाइडर पार्ट में जाके ओपन होता है, मेमोरी डक्ट जिस वाइडर पार्ट में जाके ओपन होता है बेटा, ये जो बहुत सारे मेमोरी डक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक वाइडर पोर्शन का फॉर्मेशन करते हैं आगे चल के, इनको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। क्या बोलते हैं बेटा? मेमोरी एम्पुला। ये जो बहुत सारे डक्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, इन डक्ट से आगे चल के एक वाइडर पोर्शन फॉर्म होता है जहां पे मिल्क जाके इकट्ठा होता है बेटा, क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। क्या बोलते हैं? मेमोरी एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। तो मेमोरी डक्ट के आगे जो आपको पोर्शन दिखाई पड़ेगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे, एम्पुला। एम्पुला के बाद में बेटा बहुत सारी फाइन फाइन डक्ट्स निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी बेटा, और जो कि जो मिल्क फॉर्म हुआ था बेटा एल्वेलाई के अंदर, उस मिल्क को मेमोरी टिब्यूल के द्वारा, मेमोरी डक्ट के द्वारा एम्पुला में लाके, और एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा पहुंचाने का काम करेंगी, कहां पे, निप्पल वाले रीजन पे, है ना। तो ये जो डक्ट आपको दिखाई पड़ रही है फाइन फाइन, बहुत ढेर सारी डक्ट दिखाई पड़ रही बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट से जो मिल्क है बेटा वो कहां पे आता है, निप्पल वाले रीजन पे आता है, है ना। तो एम्पुला के बाद में हम बेटा यहां पे लिखते चले, एम्पुला के बाद में क्या, बोलो जल्दी से, अरे बोलते चल, लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में बोलो, सही है। और फिर निप्पल से जो है मिल्क को सकआउट कर लिया जाता है, यहां से बच्चा जो है मिल्क को सकआउट कर लेता है, ठीक है। तो हम बेटा कहां से शुरू किए थे, मेमोरी लोब से, मेमोरी लोब के बाद में एल्वेलाई, एल्वेलाई के बाद में मेमोरी टिब्यूल के बाद में मेमोरी डक्ट के बाद में एम्पुला, एम्पुला के बाद में लैक्टिफेरस डक्ट, फिर निप्पल, ठीक है। इस निप्पल के बेटा चारों तरफ आपको, इसकी पेरीफेरी पे आपको एक ब्राउनिश कलर के टिश्यूज दिखाई पड़ते हैं बेटा, उनको हम एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियोला। यहां पे जो टिश्यूज बेटा ब्राउनिश कलर पे आपको दिखाई पड़ेंगे ढेर सारे, है ना, इस निप्पल के चारों तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। मेरी बात समझे? बोलो, समझ पाए बेटा? एक बार फिर से सीक्वेंस बोलो हमारे साथ,
सबसे पहले एक बार पूरी बात बोल दो बेटा, हमारा जो है ना, जो ह्यूमन ह्यूमंस में जो फीमेल के अंदर बेटा जो मेमोरी ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएट है? चेस्ट रीजन में। चेस्ट रीजन को हमने कहा बेटा कट करो, कट करने के बाद में क्या दिखाई पड़ेगा सबसे अंदर के साइड में? रिब्स, रिब्स के बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स, इसके बाद में आपको पेक्टोरलिस माइनर या मेजर? माइनर। माइनर के ऊपर मेजर, मेजर के बाद में मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब, कितने बेटा? 15 से 20। 15 से 20 मेमोरी लोब के अंदर ढेर सारे एल्वेलाई, एल्वेलाई बेटा जिस टिब्यूल या डक्ट का फॉर्मेशन कर रही मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल जिस फाइन डक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है मेमोरी डक्ट, डक्ट से जो वाइडर पार्ट बन रहा है एम्पुला, एम्पुला से जो फाइन डेलिकेट बेटा डक्ट निकल रही लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से बेटा फिर निप्पल के थ्रू मिल्क सक आउट कर लिया जाता है। अच्छा, इसके निप्पल के चारों तरफ बेटा जो है ना जो ब्राउनिश कलर के टिश्यूज प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? एरियोला। क्या बोलते हैं बेटा? इतनी बात समझ गए? बोलो अब ये बताओ बेटा, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन जो मिल्क का सिक्रीशन करवाता है, हाँ, प्रोलैक्टिन है ना, इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन, ये भी लिखना है। मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन बेटा सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोलैक्टिन। और इजेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीटोसिन। लिख लो, फॉर मिल्क सिक्रीशन एंड ऑक्सीटोसिन फॉर इजेक्शन, इजेक्शन है ना, ठीक है, ठीक, जल्दी से नोट कर लो बेटा। बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर बेटा हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में फिर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी के अंदर ओजेनेसिस और ओजेनेसिस से जुड़ा हुआ टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला होगा। तो आज जो हम कवर करेंगे बेटा वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म कवर करेंगे, ठीक है? बोलो ठीक। हमें गर्मी नहीं लग रही होती है लेकिन ऐसे ऐसे ले आया करो बेटा, वो हैंडमेड पंखा जो होता है ले आया करो, ऐसे बेना होना झला करो बैठ के, है ना, ये तो आसान चीज है ना। गुड बेटा, बहुत अच्छे, सुनो देखो गैमेटोजेनेसिस। अरे यार एक को मार्कर सही नहीं है तो ज्यादा लग रही, तो बेटा कोई बात नहीं, मौज करो, हम पढ़ाएंगे तब भी। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब जनरेट होना, फॉर्म होना, और गैमेटो मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट की जेनेसिस होना, यही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट के फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं बेटा तो गैमेट तो दो तरीके के होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। जैसे तुम्हारे अंदर ओवा हो सकता है, तुम लोगों के अंदर स्पर्म हो सकता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यार तुम लोग कुछ बताते ही नहीं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब मोनो ईसियस लोग ये बात ना बोलें, तुम ही ने कहा था कि तुम मोनो ईसियस हो, जबरदस्ती कैसे कहलवाया था अनुराग? हमने जबरदस्ती कहलवाया था बेटा, जबरदस्ती कहलवाया था। बस 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 सुनो, बस हो गया, शांत रहो, ए मौज मस्ती बंद बेटा, आप शांत हो जाओ। देखो गैमेटोजेनेसिस में बेटा हम ये कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस दो तरीके का हो सकता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, और ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और ओजेनेसिस का मतलब ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओवम फॉर्मेशन। अरे बोलो,
अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे होता है बेटा? टेस्टिस। अरे बोलो, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कहां चल रही होगी? टेस्टिस के अंदर चल रही होगी। और ओजेनेसिस कहां चल रहा होगा? ओवरी, ओवरी के अंदर चल रहा होगा। टेस्टिस में भी कहां पे चल रहा होगा ये बताओ? टेस्टिस की कितनी लेयर? तीन। कौन कौन सी? ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्लेरोसा। वेस्क्लेरोसा के अंदर 250 कंपार्टमेंट। नाम क्या था? टेस्टिकुलर लव्यूल। टेस्टिकुलर लव्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब। अरे बोलो, ऐसा था क्या? अरे बोलो, उसी सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर पाई जा रही थी जर्माइनल एपिथीलियम। उन्हीं जर्माइनल एपिथीलियम को इंड्यूस किया जा रहा था इंट्रूजन के द्वारा, और उनको फॉर्म करवाया जा रहा था। उनसे फॉर्म करवाया जा रहा था क्या? स्पर्म। बोलो, सही बात है क्या? अरे बोलो। तो आपको बेटा अभी के लिए ओजेनेसिस को साइड में रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे फोकस करना है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में भी हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम है बबुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा नाम बेटा? अभी आप बुजुर्ग नहीं हुई हैं, बुजुर्ग हो जाइएगा तो अपने आप जो थोड़ा सा जिनकी लंबाई उंबाई ठीक होती है अपने आप ऐसे हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए अभी तो एकदम है ना, अच्छे से बैठिए, है ना, बॉडी पोस्चर ठीक रहेगा बेटा तो दिमाग भी अच्छा काम करता है, ठीक है? वरना ऐसे जब लथार्जिक टाइप आप बैठोगे तो आपका दिमाग भी ऐसे ही है ना हो जाएगा, फिर आपको समझ में चीजें कम आएंगी, ठीक? स्पर्मेटोजेनेसिस की बेटा बात करने जा रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करने जा रहे हैं। ये बताइए बेटा, बेटा बोलना नहीं बीच में, फालतू बातें नहीं, है ना? स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हम करने जा रहे हैं, कहां पे होने वाला है? मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर होने वाला है। ये बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती होगी? अपने आप हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे होती है। इसको परसीव करने के लिए बेटा कोई ना कोई तो ग्लैंड होगी आपके बॉडी में। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करता क्या है? जब प्यूबर्टी आती है तो फिर रिलीज करवाता है कुछ। क्या रिलीज करवाता है? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है क्या? अरे बोलो GnRH। GnRH जाके किसके ऊपर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। इधर लिखते चलते हैं ना बेटा, अभी इसको हम रिलेट करवा देंगे इससे। ये हालांकि एनसीईआरटी में बाद में दिया गया है। अरे बोलो, ये बताओ हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया बेटा GnRH। GnRH का मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कौन से होंगे? LH और FSH। ये बोलो, ये GnRH जाके कहां पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बात, एकदम तोता जैसे याद कर लियोगे तुम लोग तो। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलने वाला है? दो हार्मोन, LH और FSH। LH और FSH। बेटा पानी वानी पीते रहो, है ना, पानी जरूर लेकर आया करो, बोतल में पानी सभी लोग लेकर आया करो, और क्लास के दौरान पीते रहा करो। गर्मी लगती है बेटा तो सबसे अच्छा जो है ना जो मतलब है ना आपको बचा के रख पाएगा और पूरी क्लास के अंदर है ना आपकी एनर्जी को मेंटेन करके रख पाएगा वो है पानी। जल ही जीवन है, जल पीते रहा करिए, ठीक? चलो आ जाओ, LH और FSH, है ना, ये दोनों रिलीज हुए बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से। कब रिलीज हुए? अरे बोलो, जब तुम बेटा बबुआ थे, चड्डी पहन के टहला टहला करते थे, है ना, मम्मी डांटती थी बेटा सुसु नहीं करना चाहिए चड्डी में, है ना, टॉयलेट होता है उसके लिए, उस समय की बात है क्या ये? नहीं, जब तुम सीख गए थे कि सुसु कहाँ करनी चाहिए? टॉयलेट में करनी चाहिए। जब तुम सीख गए थे कि स्कूल जाना चाहिए, मन तो नहीं करता था लेकिन बेटा उस टाइम तक अगर कुछ है ना ज्यादा अच्छा लगने लग गया स्कूल में तो जाने लग जाते थे, ऐसा होता, मतलब जैसे स्कूल का ग्राउंड वगैरह अच्छा लगने लग गया। हाँ, क्या क्या बेटा? हमारी प्रेरणा मतलब स्कूल जाने की, अरे मतलब है ना, ठीक है। नहीं यार, हमारी किस्मत इतनी बढ़िया नहीं रही है भाई। भैया एक सेकंड रुक जाओ, देखो बस शांत रहो। तो भैया तो बहुत अच्छा शब्द है यार, तो क्या हो गया ना? देखो, दिल के अरमान जैसे तुम्हारे बह गए,
आओ इधर आओ, जैसे बेटा सुनो बस देखो, हाँ एक सेकेंड, ये बेटा कब होना शुरू हुआ? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब होना शुरू हुआ? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय पे बेटा ये सब स्टार्ट हुआ। हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएस सिक्रेट किया, जीएनआरएस गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, इसने एलएच और एफएसएस रिलीज करवाए होंगे। अब एलएच जाता है बेटा, याद करो स्पर्मेटोजेनेसिस, जब हम बेटा आपको टेस्टिस पढ़ा रहे थे तो उसके अंदर बोलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया था क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन जो था बेटा, इसके अंदर हमने आपको है ना सेल्स वगैरह दिखाई थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने जर्माइनल एपिथेलियम दिखाया था, सर्टोली सेल दिखाई थी। इसके बाहर वाला जो स्पेस था बेटा, यहाँ पे हमने लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल बताई थी। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो प्रेजेंट थी बोलो, इस सेल के ऊपर लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जिसको बोलते हैं बेटा, इस सेल के ऊपर आता है और एलएच एक्ट करता है और इससे क्या करवाता है? एंड्रोजन का सिक्रीशन करवाता है। किसका सिक्रीशन? एंड्रोजन का। और एंड्रोजन में भी कौन सा वाला? टेस्टोस्टेरोन मेनली है ना, टेस्टोस्टेरोन। अरे बोलो, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करवाता है। टेस्टोस्टेरोन जाता किसके पास है? बोलो जाता किसके पास है? अरे रुक जाओ, इसको मैं बना लूं वरना तुम लोग नाराज हो जाओगे, कहोगे ऐसे कैसे बताने लग गए। बोलो, ये बेटा जो टेस्टोस्टेरोन है ये गया भागता जर्माइनल एपिथेलियम के पास में। किसके पास गया? जर्माइनल एपिथेलियम के पास में। इनसे कहा अब आप अपना जो है प्रोलिफरेशन स्टार्ट करिए। क्या स्टार्ट करिए? प्रोलिफरेशन स्टार्ट करिए। और इनको आदेश जैसे देता है प्रोलिफरेशन स्टार्ट करने के लिए, जो इमेच्योर जर्म सेल होती है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होने लग जाती है। किस में कन्वर्ट होने लग जाती है? स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होने लग जाती है। मतलब माइटोसिस पहले होता है। क्या होता है पहले? माइटोसिस होता है, जो इमेच्योर जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होती है। फिर स्पर्मेटोगोनिया को आदेश दिया जाता है कि ऐसे मत बैठे रहो, तुमको और भी काम करना है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे काम बचे हैं। स्पर्मेटोगोनिया को दोबारा से आदेश दिया जाता है, भैया ऐसे मत बैठे रहो, और तुम्हें क्या करना चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को आदेश दिया जाता है, कहा जाता है तुम भी ऐसे मत बैठे रहो। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड के अंदर कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। बोलो, यही पूरी कहानी चलती है? अरे बोलो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करवाने के लिए बेटा टेस्टोस्टेरोन आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी बेटा हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा उड़ी बात आपको लगेगी क्योंकि अभी हम प्रोसेस के ऊपर नहीं गए, अभी प्रोसेस के ऊपर जाएंगे, दोबारा से इसको हम समझाएंगे। अभी हम केवल आपको एक बता रहे हैं चीजें कैसे हार्मोन एक्ट करता है, अभी हम प्रोसेस की भी बात करेंगे। ये जो टेस्टोस्टेरोन है बेटा, गया किसके पास में? किसके पास में? इमैच्योर जर्म सेल के पास में। क्या बनवाया? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना बेटा? स्पर्मेटोसाइट है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना होगा। सेकेंडरी से बेटा स्पर्मेटिड बना होगा। स्पर्मेटिड जब बन जाता है उस समय आता है FSH। FSH आता है सर्टोली सेल के पास। सर्टोली सेल से बेटा कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाता है और वो फैक्टर्स जो है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है बेटा? स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। बेटा दो तीन टर्म हैं, हमेशा दिमाग में याद रखना। एक स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। बोलो, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना। और स्पर्मिएशन का मतलब क्या है बेटा? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज हो जाना, ये क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो बेटा, पहले ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी जब आएगा तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन ना होने पाए इसलिए पहले बता दे रहे हैं, ठीक? अरे बोलो, इतनी बात समझे? अब इसको मिटाएं, प्रोसेस शुरू करें, ठीक है? गुड बेटा, अगर नोट कर लियो तो अच्छी बात है, ना नोट की हो तो फिर हम मिटाने जा रहे हैं। बेटा ध्यान दो, अब एकदम ध्यान दो। देखो, जब भी कभी बेटा हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं या जब भी कभी हम ओजेनेसिस पढ़ते हैं, तो हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, हमारा भी है, एनसीईआरटी का भी अपना तरीका है, हम फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है? बात यह है कि हमें ना
कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें ये हैं कि जो कि हम आपको बहुत सारा बता चुके हैं कि जैसे अगर हम जैसे गैमेटोजेनेसिस की बात किए तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेटा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? गैमेट कभी भी फॉर्म होगा बेटा तो गैमेट के अंदर जो नॉर्मल आपकी सेल होंगी उनका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही जाएगा। बोलो, अरे बोलो, रिडक्शनल डिवीजन। और सेल साइकिल से डिवीजन पढ़ी हो ना बेटा, हमसे नहीं पढ़ी हो? हाँ खड़े हो, अरे बता दिए तो फिर बेटा दो चार दिन में तुम्हें एक चॉकलेट मिल जाएगा। आज तो मतलब है ना, नहीं पता लेकिन मिल जाएगा, है ना, जब भी मेरा मन करेगा मैं दे दूंगा एक चॉकलेट। ये बताओ कि तुम मियोसिस तुम्हें याद होगा? तो बेटा मियोसिस के अंदर हमने मियोसिस फर्स्ट सेकंड दो बताया था, याद है? हाँ, आसान क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं बेटा, एकदम इजी वाला है ना, वो मुश्किल उसकी वाला नहीं कि मियोसिस फर्स्ट में चलो बताओ कितने, ये सब नहीं पूछेंगे हम तुमसे। ये पूछने जा रहे हैं बेटा कि हम जब गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, हम रिडक्शन डिवीजन की बात करते हैं, रिडक्शन डिवीजन का जैसे हम नाम लेते हैं तो माइटोसिस समझ में आता है, मियोसिस समझ में आता है? माइटोसिस ना, माइटोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। सही बात है ना? सही बात है। हाँ हाँ, अच्छा तुम्हें भी सही लग रहा है बेटा? कंफ्यूज, कितने लोगों को सही लग रहा है बेटा ये माइटोसिस? कितने लोग कह रहे हो रिडक्शन डिवीजन होता है और मियोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है? कितने लोग कह रहे हो? बच्ची कह रही है कि माइटोसिस जो है करते हैं यार, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, देखो जरा। माइटोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस क्या है बेटा? टर्म में कंफ्यूजन है आपको? हाँ, मियोटिक, मियोटिक का मतलब बेटा मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता ना, ठीक है? हमारा सवाल ये नहीं था, ये तो आसान है, ये आप फालतू में कंफ्यूज हो रहे थे और तुम्हें नहीं याद है, बहुत तेज मारेंगे नालायक, है ना। देखो हमारा सवाल बेटा इसके अंदर का था, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो मियोसिस है ना, मियोसिस को जनरली में रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है? ये बात जो हमने लिखी है क्या बात है? गलत बात है, ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए बेटा, इसमें पाप पड़ता है ऐसे लिखने पे, ठीक है, है ना, तुम लोग मुझसे पाप करवा रहे हो, ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए, ठीक। अच्छा सुनो, सवाल ये था कि जो मियोसिस है, मियोसिस के अंदर बेटा, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे थे, सेकंड और फर्स्ट में कुछ डिफरेंसेस हमने बताए थे, कौन सा रिडक्शनल कौन सा इक्वेशन, की दोनों रिडक्शनल दोनों इक्वेशनल, दूसरा रिडक्शनल पहला इक्वेशनल, क्या बात है। मियोसिस फर्स्ट, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड, ये नहीं जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, है हैं ऐसे है बेटा, रिडक्शनल कौन सा इक्वेशनल कौन सा दोनों में, पहला वाला इक्वेशनल दूसरा वाला रिडक्शनल? क्यों? गुड, बैठो बेटा, याद रखा करो, दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका होना चाहिए, है ना, मतलब तुम लोग कैसे भूल जाते हो इतनी छोटी चीज यार, हैं ऐसे कैसे भूल जाते हो भाई। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड जो हमने बताया बेटा, हमने कहा कि मियोसिस फर्स्ट कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस सेकंड कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है। रिडक्शन का मतलब क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना, हाफ पहले ही डिवीजन के अंदर हो गया ना, दोबारा से डिवीजन क्यों हुआ? दोबारा से डीएनए के कंटेंट को हाफ करना था इसलिए डिवीजन हुआ, और दोबारा से जब डिवीजन होने के लिए सेल साइकिल चलती है तो हमने कहा था इंटरफेज की जगह पे इंटरकाइनेसिस हम बोलते हैं, एस फेज एब्सेंट होती है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता तो 2C बेटा मियोसिस फर्स्ट के दौरान बना था, वो 2C का फिर से 4C हो जाता, फिर से डिवीजन होता, फिर से 2C बचा रह जाता, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन सेकंड फेज के अंदर, सेकंड साइकिल के अंदर करते ही नहीं,
डीएनए रेप्लिकेशन इसीलिए नहीं करते कि जो 2C है वो आगे जाके जब डिवाइड करेगा तो 2C से C बन जाएगा, NYC और NYC चार सेल मिलके चार सेल बन के फॉर्म होंगे, समझ रहे हो? ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना भाई, तुम लोग ऐसे छोटी छोटी चीजें ना भूला करो। अब जरा चलते हैं, रुको, हमने कहा बेटा गैमेटोजेनेसिस कभी भी चलेगी तो गैमेटोजेनेसिस के लिए रिडक्शनल डिवीजन होना होगा, क्या होना होगा? हमें रिडक्शनल डिवीजन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें गैमेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है, और हाफ क्यों करना है ये भी बात हमने बताई है, एनसीईआरटी ने आपके सवाल पूछा है, हाफ क्यों करना है इसमें, गैमेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ क्यों करना है, क्या जरूरत ऐसी पड़ गई? नहीं क्यों बेटा, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, जैसे माइटोटिक नहीं, फिर तू माइटोटिक कह रहा, मियोटिक, मियोटिक के अंदर क्या होता है, मियोटिक या मियोसिस, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों होता है, क्यों ये डिवीजन की जरूरत पड़ रही है, क्यों हमें हाफ करना पड़ रहा है, सवाल ये है। कितने लोग को अच्छा पता है, जो लोग सेल साइकिल पढ़ चुके हो, नहीं कितने लोगों को पता है, हाथ उठाओ हमसे, हम आए, हम बताए बताए, नहीं पता, गलत बात है बेटा, पता है हाँ? कहाँ खोए हुए हो, क्या लिख रहे थे, हमने कहा था तुमसे लिखने के लिए, फिर मारें झापड़ दिमाग से हो जाएगा बेटा, ध्यान देके इधर बैठा करो, सुनो इधर देखो, हम ये पूछ रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर बेटा हम कह रहे हैं रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, जरूरत ही क्या है रिडक्शनल डिवीजन की, मियोसिस की जरूरत ही क्या है, क्यों रिडक्शन हमें करना है क्रोमोसोम का नंबर, क्यों रिड्यूस करना है? कितने लोग के समझ में आ गया क्वेश्चन, कितने लोग को पता है आंसर? अगर आप कहें नहीं समझ में आया बेटा तो झपड़ी आएंगे, आया? चलो बताओ क्या क्या क्यों आंसर अभी भी नहीं आया? सेल साइकिल से डिवीजन पढ़े हो हमसे, पढ़े हो, बताओ पढ़े हो, क्यों करना है? अगर ना करते तो ना करते तो ए सही बता रहा है, वो मार देंगे अभी, हाँ बेटा ना करना पड़ता तो खड़े हो। अब जो बता रहे हो बेटा अच्छे से बताओ, यही बैठो, सही बता रहा है, गड़बड़ नहीं बता रहा, बस उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमजोर है कि बाकी लोग क्यों नहीं आ रहा है, हमें कैसे पता है, इसलिए ये जो है ना परेशान है ना। अच्छा चलो बताओ बताओ, हाँ गुड, है ना, सही बता रहे थे बेटा तुम भी, है ना, बिल्कुल सही बता रहे थे, बस तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है, सही बता रहे थे, सुनो बात ध्यान से सुनो हमारी, रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि क्योंकि हम गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन कहां पर होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, अरे बोलो, गैमेट का फॉर्मेशन फ्यूजन वहीं पर तो होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर दो इवेंट होते हैं, पहला गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा गैमेट का फ्यूजन, तभी तो जायगोट बनेगा। अगर ये बताओ कि दो गैमेट अगर आपस में हमें फ्यूज करवाने हैं और इन गैमेट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता बेटा, अगर उसको रिड्यूस ना किया गया होता, हाफ ना किया गया होता, जैसे समझो स्पर्म में जो मेल के अंदर स्पर्म बन रहा है उसके अंदर जो क्रोमोसोम रहता है 46 रहता, और जो फीमेल के अंदर ओवा बन रहा है उसके अंदर जो क्रोमोसोम रहता है वो भी 46 रहता, तो 46 और 46 जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते तो 92 नहीं हो जाते, ये तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है ना, पॉलीप्लॉइडी तो जानते हो बेटा, वो डिजीज कंडीशन हो गई, आपने बेटा जेनेटिक्स के अंदर आपको पढ़ना भी है, मेरी बात समझ रहे हो, तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन ना जनरेट होने पाए, जो क्रोमोसोम नंबर है बेटा ये बना रहे, मेंटेन रहे, उतना ही मेंटेन रहे जितना कि पैरेंटल जनरेशन में था, उतना ही प्रोजनी की जनरेशन के अंदर जाए, इसलिए करना पड़ता है क्या, मियोसिस, और मियोसिस क्या करता है बेटा, मियोसिस रिडक्शन करता है,
मियोसिस के बाद फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन दोनों मिला के क्रोमोसोम के नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। मियोसिस ने क्या किया, हाफ कर दिया, फिर फर्टिलाइजेशन ने क्या किया, बराबर कर दिया, समझ रहे हो, हाफ हाफ था, फिर दोनों गैमेट मिले, बराबर हो गए, समझ रहे हो। हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। चलो, मुझे पता बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है और तुम लोग मुंह बना रहे हो, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा है ना एनर्जी एनर्जी जब बॉडी में रहती है तो थोड़ा सा मौसम का जो इफेक्ट है कम महसूस होता है, ठीक है। ये साइंटिफिक लॉजिक कहता है, समझ रहे हो, और जिसके पास नहीं होता, आ जाओ बेटा इधर देखो। गैमेटोजेनेसिस की हम बात कर रहे थे, गैमेटोजेनेसिस में हम कौन सी बात कर रहे हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जरा सुनो, अब हम कहां की बात करने जा रहे हैं बेटा, याद करो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने क्या बोला था, जर्माइनल एपिथेलियम, आई बोलो इमैच्योर जर्म सेल, इमैच्योर जर्म सेल पाई जा रही थी। इनके अंदर सबसे पहले बेटा प्रोलिफरेशन होता है, क्या होता है, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन होता है, बोलो। प्रोलिफरेशन के अंदर बेटा माइटोसिस की बात करेंगे, मियोसिस की बात करेंगे, माइटोसिस, अभी हमने रिडक्शन वगैरह नहीं करना है, अभी तो हमें ग्रोथ करवानी है ना, अभी तो हमें मैच्योर करवाना है सेल को, जरा सुनो है ना। प्रोलिफरेशन के अंदर बेटा चलता है माइटोसिस, ठीक है। अब इमैच्योर जर्म सेल जो थी बेटा किसमें कन्वर्ट हो गई, अरे बोलो स्पर्मेटो, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, और जो इमैच्योर जर्म सेल थी इसके अंदर बेटा ये बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहे होंगे, कितने रहे होंगे, कितने रहे होंगे, 46, क्योंकि अभी क्या चल रहा है बेटा माइटोसिस, ये हमारे बॉडी की नॉर्मल सेल है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है माइटोसिस, तो माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कोई रिडक्शन देखने को नहीं मिलता है, बोलो, है ना। प्रोलिफरेशन के बाद में बेटा स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होती ग्रोथ, क्या होती बेटा, ग्रोथ, ग्रोथ के दौरान होता है ना, इसको एनसीईआरटी ने लिखा है माइटोसिस डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी का चार्ट देखोगे बेटा तो आप चाहो तो एनसीईआरटी वाला चार्ट खोल के बैठ जाओ, है ना। इसको एनसीईआरटी ने लिखा है स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने को क्या बोला है एनसीईआरटी ने, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, है ना। स्पर्मेटोगोनिया किसमें कन्वर्ट होगा माइटोसिस के बाद में, प्राइमरी, अरे बोलो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बताओ बबुआ ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है क्या इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ होगा, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं बेटा गर्मी तो है, क्या ही किया जा सकता है, है ना, ठीक, 2n, है ना, यहां भी रिड्यूस नहीं होगा, अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बताओ। इसके बाद में बेटा एक फेज चलेगी जिसको मैचुरेशन फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैचुरेशन, है देखो मियोसिस फर्स्ट बेटा, इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर एम फेज, या एम फेज को मैचुरेशन फेज बोलते हैं बेटा, मैचुरेशन वन के नाम से जानते हैं हम, एनसीईआरटी में मियोसिस फर्स्ट लिखा गया है, हम दोनों लिख दे रहे हैं बेटा, मैचुरेशन फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट। अब ये बताओ जब मियोसिस फर्स्ट चली होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर तो इसको किसमें कन्वर्ट किया होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट किया होगा, बोलो, अरे बोलो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे बेटा कभी भी, जैसे जैसे अभी जब हम आपको जेनेसिस पढ़ाएंगे वहां पे प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट की बात करेंगे ना, ऐसे में यहां पे भी कह रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जैसे हम बात करने लग जाए बेटा, अपने दिमाग में तुरंत बैठा लेना कि क्रोमोसोम नंबर के अंदर रिडक्शन हो चुका है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कभी भी आए तुरंत दिमाग लगा लेना बेटा कि मियोसिस हो चुकी है, और मियोसिस जैसे हुई क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर तुमसे पूछूं तो तुम बिना शक बिना किसी झिझक के तुम तुरंत हमसे कह सकते हो कि सर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर एन बचा है, मतलब जो प्लॉयडी है हाफ हो चुकी है, हैप्लॉयड हो चुकी है। सर कैसी हो चुकी है? हैप्लॉयड हो चुकी है। मेरी बात समझ रहे हो? कैसी हो चुकी है बेटा? हैप्लॉयड हो चुकी है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये इसकी प्लॉयडी क्या हो चुकी है? हाफ हो चुकी है, हैप्लॉयड हो चुका है, एन हो चुका है। ठीक, अच्छा, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर बेटा चलता है मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड चला। मियोसिस सेकंड के बाद में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्मेटिड के अंदर। किसमें बेटा? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्पर्मेटिड के अंदर क्या बेटा, सॉरी ये हमने ब्लू से लिखना, ब्लैक से लिखना चाहिए, ब्लू से लिख दिया, कोई बात नहीं है ना। स्पर्मेटिड जो है बेटा, ये जो एन है यहां पे, इसके अंदर कोई बदलाव होगा कि एन ही रहेगा? एन ही रहेगा। क्रोमोसोम नंबर के अंदर अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है, एक ही बार हाफ होता है, बार बार थोड़ी ना हाफ होगा बेटा। इसीलिए तो मियोसिस सेकंड को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। डीएनए का कंटेंट हाफ होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। मतलब स्पर्मेटिड जो है बेटा, यहां पे क्रोमोसोम नंबर भी आपको एन देखने को मिलेगा, सेल की प्लॉयडी हाफ हो चुकी है। एम फेज को हमने मैच्यूरेशन कहा। मियोसिस को हमने बेटा, जैसे हमने मियोसिस फर्स्ट सेकंड लिखा है, ऐसे मैच्यूरेशन फेज वन और मैच्यूरेशन फेज टू ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम कहां से चले थे बेटा? इमैच्योर जर्म सेल, इमैच्योर जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड बना। बोलो, इतना प्रोसेस समझ में आया? अब स्पर्मेटिड बेटा किसमें कन्वर्ट होता है? स्पर्मेटोजोआ में। किसमें बेटा? देखना, ये नीचे दिख रहा है, ध्यान देना। स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ को ही क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म है ना, क्या बोलते हैं? स्पर्म। ये बताओ स्पर्म की प्लॉयडी? अरे बोलो, एन ही तो रहेगी बेटा, एन ही तो रहेगी, हैप्लॉयड ही तो होगा, क्रोमोसोम नंबर 23 ही तो रहेगा। बोलो, सही बात है क्या? ये बताओ स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना एनसीईआरटी ने लिख रखा है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। एनसीईआरटी ने डिफरेंशिएशन लिख रखा होगा। बोलो, क्या लिख रखा होगा बेटा? डिफरेंशिएशन। इसको हाँ हाँ वही डिफरेंशिएशन ना, ट्रांसफॉर्मेशन या डिफरेंशिएशन, बोलो ट्रांसफॉर्मेशन और इसी को बेटा क्या कह रहे हैं? डिफरेंशिएशन। ये बताओ डिफरेंशिएट होके स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? स्पर्मेटोजोआ में। अब बेटा ध्यान रखना, एफएसएस की एक्टिविटी आपको याद रहनी चाहिए बेटा, यही वो पॉइंट है। स्पर्मेटिड तक जो है, जो एंड्रोजन था, एंड्रोजन के अंदर बेटा हम किसकी बात कर रहे थे? टेस्टोस्टेरोन की। किसका एस्ट्रोन? टेस्टिस का एस्ट्रोन। टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे बेटा। टेस्टोस्टेरोन जाके एक्ट किया था कहां पे? मेल जर्म सेल के ऊपर, इमेच्योर जर्म सेल के ऊपर एक्ट किया था, और बेटा ये प्रोसेस चलवाता हुआ ला रहा था स्पर्मेटिड तक इसने बना दिया। स्पर्मेटिड जब बन जाता है बेटा, तो एफएसएच आता है सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। किसके ऊपर? सर्टोली। सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर रिलीज करवाता है। एक फैक्टर तो बेटा एफएसएच की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है, निविन नाम है उसका, जो ओवर एक्टिविटी एफएसएच की कम करता है। और एंटी मुलेरियन फैक्टर भी हमने यही बताया था। बोलो, याद आ रहा है क्या कुछ? अच्छा, ये जो स्पर्मेटिड है इसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस का एनसीईआरटी में नाम लिखा है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है? स्पर्मियो। स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियो। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस है ना, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्या है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद में होता क्या है बेटा? ये जो स्पर्मेटोजोआ है ना, स्पर्मेटोजोआ जो है ऐसे
ये जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ अपने ऐसे समझ सकते हो ना, स्पर्मेटिड वाले रीजन पे जब स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाता है तो स्पर्मेटिड ना अपने हेड को इम्बेडेड कर लेता है किसके अंदर, या स्पर्मेटोजोआ अपने हेड को इम्बेडेड कर लेता है किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर, और नरिशमेंट लेने लग जाता है, अपने आप को मैच्योर करने लग जाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन कह रहा है ना वो यही करने लग जाता है, समझ रहे हो। और जब अपने आप को बढ़िया सा फुल्ली नरिश्ड कर लेता है बेटा, ये क्यों नरिश्ड कर रहा है, क्योंकि इसको रेस लगानी है ना, बहुत लंबी रेस है, कितने लोगों के साथ रेस लगाता है ये, 200 से 300 मिलियन स्पर्म के साथ एक साथ रेस लगाता है, समझ रहे हो। पर इजाकुलेशन बेटा कितना मिलियन स्पर्म रिलीज होता है, 200 से 300 मिलियन, मेरी बात समझ रहे हो, है ना, लगभग 2 ml के आसपास ये माना जाता है बेटा, जो सीमेन है वो सीमेन 2 ml के आसपास पर इजाकुलेशन इजाकुलेट होता है, 2 to 4 ml मतलब है, होता है, इसमें एवरेज जो डाटा मान के चलते हैं बेटा 2 ml का मान के चलते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि पर ml जो स्पर्म का इजाकुलेशन है वो पर ml 100 से 150 मिलियन स्पर्म पर मतलब पर ml होता है, और पर इजाकुलेशन में कितने आ रहे हैं, 2 ml आ रहे हैं, इसलिए हम बात करते हैं बेटा 200 से लगभग 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं पर इजाकुलेशन, इतने स्पर्म के साथ इसको रेस लगानी है, रेस लगाने के लिए बेटा नरिशमेंट तो चाहिए, नरिशमेंट ले चुका है, नरिशमेंट लेने के बाद में जो स्पर्मेटोजोआ है बेटा ये रिलीज किया जाता है कहां से, सर्टोली सेल से रिलीज किया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन था बेटा ये देखो जरा ध्यान दो, ये ध्यान दीजिए, है ना, यहां बीच बीच में बेटा हमने सर्टोली सेल बनाई थी, ध्यान रखो ऐसे से कुछ सर्टोली सेल बना दी थी हमने, सर्टोली सेल हमने बना दी थी बेटा, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं बेटा ध्यान दीजिए, इन सर्टोली सेल्स में जो स्पर्मेटोजोआ अपने हेड को एम्बेडेड कर देता है बेटा, ये हेड जब रिलीज होता है यहां से तो ये जो ल्यूमेन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है यहां पे जाता है, और ल्यूमेन से फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई डक्ट आपको याद होगा बेटा जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जा रही थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू ये कहां जाएगा, रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से कहां जाएगा, वासा इफरेंसिया में जाएगा, वासा इफरेंसिया से कहां जाएगा, इपिडिडाइमिस में जाएगा, इपिडिडाइमिस से कहां जाएगा, वास डिफरेंस से कहां जाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट में फिर बेटा इसके साथ सेमेनल वेसिकल के सेक्रीशन ऐड होंगे, उसके आगे प्रोस्टेट के सेक्रीशन ऐड होंगे, और यूरेथ्रा के थ्रू, एक्सटर्नल यूरेथ्रा मीटर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बोलो सही बात है क्या। तो स्पर्मेटोजोआ के हेड का सर्टोली सेल से डिटैच होना, स्पर्मेटोजोआ के हेड का सर्टोली सेल से डिटैच होना, अलग होना क्या कहलाता है बेटा, स्पर्मिएशन, क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली सेल से इसके हेड का अलग होना स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस आपको समझ में आ गया, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया, और स्पर्मिएशन भी आप समझ चुके हो बेटा। स्पर्मिएशन का मतलब क्या है, स्पर्म के हेड का सर्टोली सेल से अपने हेड को स्पर्म अपने हेड को जो रिलीज करता है बेटा, वहां से डिटैच करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। मेरी बात समझे, समझ गए पूरा, बोलो एक बार बेटा ये प्रोसेस बना लीजिए, एनसीईआरटी से अभी एक एक चीज हम आपको समझा देते हैं। दूसरा बेटा हमने आपको क्या बोला है, जो इधर वाला पॉइंट बताया था LH और FSH वाला, याद आया, ठीक है, LH FSH साथ साथ में बेटा, इसलिए हमने पहले बता दिया था कि यहां पे जब भी मैं नाम लो LH FSH का आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आते हैं आपके एनसीईआरटी के ऊपर, लाओ एक एनसीईआरटी में दो, इसको हम समझाते हैं पूरा, लाओ बेटा पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं, उसके बाद में जो इसके पहले वाला वो भी रीड हो जाएगा। देखो जरा, गैमेटोजेनेसिस की हम बेटा बात कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, जरा देखो, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्ट इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सी बात है ना, रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, है ना, रिस्पेक्टिवली क्यों कह रहे हैं, मतलब एक जगह पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा टेस्टिस के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा, ओवरी के अंदर ओजेनेसिस से ओवा का फॉर्मेशन होगा,
इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज बिगिंस एट दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे ही क्यों स्टार्ट होता है बेटा? क्योंकि प्यूबर्टी पे ही हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। अरे बोलो बेटा, हमने आपको कुछ एक दो लेक्चर पहले आपको बताया था ना कि जो हमारी जिंदगी है बेटा, जो हमारी लाइफ है ना, जो हमारी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है बेटा, आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद में आप आपकी डेथ हुई, इसी के बीच में लाई कर रही है। अरे बोलो, पैदा होने से मृत्यु तक की जो जिंदगी है बेटा, उसी को आप लाइफ साइकिल कह रहे हो। इस लाइफ साइकिल के दौरान तीन फेजेस की हमने बात करी थी। तीन फेजेस कौन कौन सी थी? अरे बोलो, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव को जुवेनाइल फेज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव को रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव के बाद वाली जिसको हम बोल रहे थे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उसको क्या बोलते हैं? सेनिशेंट फेज। क्या बोल रहे थे? सेनिशेंट। सेनिशेंट का मतलब बुढ़ापा। जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनिशेंट फेज, समझ रहे हो? और ये जो फेजेस हैं बेटा, जो इनका जो है ना ट्रांसमिशन होता है एक फेज से दूसरी फेज पे, दूसरे से तीसरी फेज पे, इसके लिए जिम्मेदार फैक्टर कौन सा था? हार्मोन। हार्मोन ही तो था। तो मतलब जब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं बेटा, तो हम तुरंत किसकी बात करते हैं? हार्मोन की बात करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जब गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत की हम बात करते हैं, तो हम किसकी वजह से बात करते हैं? क्योंकि हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गए। अच्छा, एक बात और समझो, ये जो प्यूबर्टी है ना, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग समय पे लोगों में देखी जाती है। मतलब हो सकता है कहीं पे प्यूबर्टी 10 साल में आ जा रही हो, कहीं पे हो सकता है 12 साल में आए, हो सकता है कहीं पे 13 साल, हो सकता है कहीं पे 14 साल में आए। मेरी बात समझ रहे हो? ये एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड होने वाला फैक्टर है। समझ रहे हो? जो हमारे जीन का एक्सप्रेशन है बेटा, अगर हम जीन के एक्सप्रेशन को समझे जरा सा, क्योंकि जितना भी हो रहा है बेटा, बिना डीएनए के तो हो नहीं रहा है, बिना डीएनए के तो कुछ हो नहीं रहा है। और जो जीन का एक्सप्रेशन है, जो हमारे हार्मोन का रेगुलेशन है, और जो जीन का एक्सप्रेशन है, एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। समझ रहे हो? तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ सर्टेन फैक्टर्स की वजह से किसी सर्टेन जगह के लोगों के अंदर प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। समझ रहे हो? ठीक है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं अभी भी जहां पे प्यूबर्टी आने में लगभग 14 साल लग जाता है। कहीं कहीं पे ऐसी जगहें तुमको मिल जाएंगी जहां पे 10-11 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, जनरली 10-11 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, आपको, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, आपको कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो हम बेटा पॉइंट की बात कर रहे थे, द स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड वॉल में प्रेजेंट होता है, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, है ना, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है, इंक्रीजेस इन नंबर। बेटा अगर नंबर इंक्रीज करना होगा क्या होगा, माइटोसिस या मियोसिस? नंबर इंक्रीज करना होगा, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। ठीक है, है ना। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, है ना, कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है, कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम कंटेन करता है? 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, किस में जाते हैं? मियोसिस के अंदर जाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉयड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दो हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन क्योंकि रिडक्शन डिवीजन के द्वारा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्लॉयडी हाफ हो चुकी होगी, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 23 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बोलो। अच्छा, इसके आगे की बात करते हैं, है ना, ओके। व्हिच हैव फॉर्मेशन टू इक्वल, व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज अ सेकंड मियोटिक डिवीजन। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, ये किस में जाएगा? सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर। और अगर सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर जा रहा है, तो क्या फॉर्म करेगा? स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटिड। क्या फॉर्म करेगा? स्पर्मेटिड, है ना, स्पर्मेटिड। ठीक है,
द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस फोर इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड्स? स्पर्मेटिड के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, तुम लोग बताओ बेटा क्या होगा? 23. कितना होगा? 23, है ना? ठीक है. द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल. सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है कब? जब स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ. ठीक है. एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब. और सेमिनिफेरस ट्यूब से फाइनली रिलीज होता है ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू बाहर जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. स्पर्मेटोजेनेसिस. अब बेटा जरा ये डायग्राम देख लीजिए. ये डायग्राम बेटा कहाँ का है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का डायग्राम जरा ध्यान से देखिए बेटा. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये जर्माइनल एपिथीलियम है. जर्माइनल एपिथीलियम से बेटा स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हुआ. अरे बोलो, प्रोलिफेरेशन वाला प्रोसेस. प्रोलिफेरेशन के बाद में बेटा है ना ग्रोथ हुई. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मैचुरेशन फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड हुआ, मैचुरेशन फेज सेकेंड हुआ, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ. और बाद में देखा जा रहा है बेटा स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड है ना ये अपने हेड को एम्बेडेड कर दे रहे हैं कहाँ पे बेटा? सर्टोली सेल के अंदर. और सर्टोली सेल से अपने हेड को रिलीज करवा के बाहर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन. By the process of spermiation. समझ रहे हो? अच्छा, इसके आगे बेटा हार्मोनल कंट्रोल की बात जरा करते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. क्यों होता है? क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिक्रेशन होता है किसका? GnRH का, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का. और इनके रिलीज की वजह से इफ यू रिकॉल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एज द एंटीरियर पिट्यूटरी. एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी. कहां पे बेटा एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, है ना. एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. LH act at the Leydig cell and stimulate the synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. Androgen क्या करता है? Process of spermatogenesis को stimulate करता है. मतलब जो immature germ cell थी बेटा उसको spermatogonia में, spermatogonia को primary spermatocyte, primary spermatocyte को secondary में, secondary को spermatid के अंदर. ठीक? Okay. चलो आगे देखते हैं. FSH act on Sertoli cell. किसके ऊपर एक्ट करता है बेटा? सर्टोली सेल के ऊपर. एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. बात समझे हमारी? बोलो, पूरी बात समझ गए बेटा? अच्छा ये बताइए, जो इसके पहले वाला टॉपिक था बेटा, जो हमने मैमरी ग्लैंड पढ़ाई थी और फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, इसकी भी रीडिंग करवाए या तुम लोग करोगे? कर लोगे? कर लोगे पक्का बेटा? रीडिंग करके आनी है, क्वेश्चन यहां तक आपका लगा होना चाहिए. ठीक बोलो? ठीक है.